हेलो दोस्त, स्वागत है। हाँ, आज का क्लास हम लोग करेंगे खान सर के प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स। आज का सेट 18 होगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास भी बहुत अच्छा से किया होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए थे, लगभग 74-75 क्वेश्चन था। तो हम लोग अपने फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइप मिल जाएगा। आप लोग लाइक में कंजूसी करते हैं, पहले ही निकल जाते हैं, लाइक में कंजूसी मत कीजिए। और चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन थोड़ा आज लंबा लंबा क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल मैं एक बार ही पढ़ूंगा और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आप लोग रिविजन के तौर पर हम लोग क्लास कर रहे हैं, याद हो जाएगा। लाइक नहीं करते लाइक कर दीजिए, लाइक से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। तो चलिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। दोस्त, इसका पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं और आराम से इसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय के प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। तो ऑप्शन नंबर आपके डी सही होंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित कराना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से 5-7 साल पहले का पूछा हुआ, तो क्वेश्चन पहले लंबा लंबा जैसे होता है, कभी कभी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा एक दो क्वेश्चन देखने के लिए, जिसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। कितना ईस्वी था? ये था ऑप्शन नंबर बी, आपको हो जाएंगे 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? जैसे हम पार्टी या मेला में देखते हैं ना, गुब्बारा फुलाया जाता है, तो उसमें किस अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है? जो गुब्बारा ऊपर में है उड़ता है, हीलियम गैस उसमें उपयोग किया जाता है, गुब्बारा में हीलियम गैस भरा हुआ रहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें जाने के वायुयानों के जो टायर होते हैं ना, उसमें भी हीलियम गैस होता है, जैसे हवाई जहाज हो गया, हवाई जहाज में भी हीलियम गैस भरा रहता है। हाँ, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रमंडल जब खेलों का आयोजन हुआ था किस वर्ष में हुआ था? वो हुआ था आपको 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते रहिएगा जरूर। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो इस ऑप्शन आपके पास चार है, तो सही आंसर हो जाएंगे हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिक को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? आपके सही जवाब अनुच्छेद 31 हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? कह रहे कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत, जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि जाएंगे, ऑप्शन नंबर 5 लाख रुपया। कितनी है? 5 लाख रुपया है। दोस्तों, थोड़ा से बगल वाले रूम में जो ऐसे खाना बन रहा है तो उसका सीटी का आवाज आ गया है। खैर कोई बात नहीं, सारे बातों को इग्नोर करना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। क्वेश्चन है कि केरल में मनाया जाने वाला ओनम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? अब यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया ना, केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओनम, ओणम मनाया जाता है और कितने दिनों तक रहता है? तो ये रहता है आपको 10 दिनों तक रहता है। कितने दिनों तक रहता है? 10 दिनों तक रहता है। नेक्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारन हेस्टिंग द्वारा गिरफ्तार किया गया था?
निवारण हेस्टिंग के द्वारा गिरफ्तार किया गया था 1781 में कौन सी राजा को बनारस? तो इसका सही जवाब आंसर हो जाएगा आपका चैत सिंह, या चैत सिंह इसको कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है, यानी स्टेट ऑफ पीस का अनावरण, स्टेचू ऑफ पीस, स्टेचू ऑफ पीस बोलते हैं, अनावरण किया है। तो सही जवाब इसके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका राजस्थान हो जाएगा, सी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट नंबर सवाल है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जब रक्त हम लोग का ब्लड है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव होने लगता है ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाता है? थायराइड से हार्मोन का स्राव होने लगता है, कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1931 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1931 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1931 ईस्वी। दो क्वेश्चन बनता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब जो अम्बेडकर हैं, जो संविधान लिखे हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब हम लोग आगे चलेंगे और आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त को भी वहाँ तक वीडियो पहुँच सके। बस आप लोग सिर्फ इवनिंग में एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपको 20 से 25 मिनट के वीडियो में कवर हो जाएंगे और बिल्कुल आसानी से तैयारी हो जाएगी। एक बच्चा का कमेंट था कि बायोलॉजी का भी अलग से क्लास कराया जाए, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, मैं आपकी बातों को प्रशंसा में लेता हूँ और आपका बायोलॉजी का भी क्लास मैं कराऊंगा, लेकिन इसमें मिक्सचर क्लास है, आप कीजिएगा तो आपके सारे क्लास कवर हो जाएंगे। और बायोलॉजी की रही बात तो मैं अलग से 200 या 300 क्वेश्चन में हम अलग से दे देंगे, 3 वीडियो में 100 100 क्वेश्चन का, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अंचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी है, तो कौन सा है? लॉन टेनिस से है, या टेबल टेनिस से, या तैराकी से, गोल्फ से? तो यहाँ पर आपके सही जवाब हो जाएंगे टेबल टेनिस खिलाड़ी है। भारतीय पेशेवर कौन है? अंचत शरत जो कमल है वो टेबल टेनिस खिलाड़ी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है, इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके सही जवाब हो जाएंगे मोहम्मद सिराज है। कौन है? मोहम्मद सिराज है। नेक्स्ट सवाल है, शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो शहीदी सभा त्यौहार है जो आपको पंजाब में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्त, बाणभट्ट ने राजा की किसकी जीवनी लिखी थी? तो बाणभट्ट में जो है राजा की जीवनी हर्षवर्धन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी। हर्षवर्धन ने क्या लिखी थी? हर्षचरित लिखी थी, जीवनी हर्षचरित में लिखी हर्षवर्धन ने। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि था, बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन के क्या था? दरबारी कवि था। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका है? निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुधा मूर्ति। आप लोग दोस्त अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए इस तरह की वीडियो देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें। एक छोटे से फैमिली को आप लोग सपोर्ट करें, और आप लोगों के लिए मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाना चाहूँगा, जीके जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो। फिलहाल अभी आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन मात्रा में जा रहा है, 50 से 60 क्वेश्चन, 74 75 क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग मेरे साथ शुरू से अंत तक प्रत्येक दिन वीडियो देखिएगा, 8 से 8:15 के बीच में आपको 8:15 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। बेल आइकन बटन दबा के रखिएगा, ऑल पर क्लिक करके, और वीडियो अपना देखकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए इसका जवाब दिया जाए, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो पिट्टी द्वीप है। क्या हो जाता है? पिट्टी द्वीप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को
ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता करा कि किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारत की योजना जो बनाने हैं उसको डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। तो आपको दिया जाता है एडविन लुटियंस को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसे मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है। तो ध्यान से सुनिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। एलिफेंटा द्वीप क्या हो जाएगा। एलिफेंटा द्वीप है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह जो है हिंद महासागर में स्थित। तो मनीला। मनीला कहाँ गया बाबू। मनीला फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, हमें पूरा विश्वास है। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो को। वीडियो अगर आप स्लो मोशन में तो उसको स्पीडोमीटर से स्पीड बढ़ा ले, फटाफट रिवाइज कर ले। क्वेश्चन है कि इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है। करा कि इसरो का प्रस्तावित जो शुक्रयान है वो मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए बनाया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी शुक्र। शुक्र ग्रह के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से कहाँ कितना इसमें प्रस्तुत किए गए थे। करा कि ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से ये आपको प्रस्तुत किए गए थे 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है अस्कर्व टाइफस रोग एक प्रकार के यानी किसके कारण से होता है। यानी इसमें है कवक, जीवाणु, विषाणु, शैवाल। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे आपको ये जो अस्कर्व टाइफस रोग है वो जीवाणु के एक प्रकार है, उसी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने है और बता दें कि अस्कर्व टाइफस रोग में होता क्या है ना, कि इस रोग में जो है से आपको तेज बुखार होगा। क्या तेज बुखार, सांस लेने में आपको कठिनाई होने लगता है। तो समझ जाए कि अस्कर्व टाइफस एक बीमारी जो जीवाणु के द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है अकबर के दरबार के नवरत्नों। बहुत ही अच्छा सवाल, इसे आप लोग हो सके तो याद करके रखे, रिवाइज करके, कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में टारगेट बनाकर पूछा जाएगा। तो सही आंसर होंगे आपको बीरबल। कौन हो जाएगा, बीरबल जो है इसके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कल्फ्रेट नोबेल के स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का अस्वेरेजियस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको प्रदान किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्त पॉल आर मिलोग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को। टेढ़ा नाम है, रॉबर्ट बी विल्सन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल कर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 1920 ने के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। इसके सही आंसर हो जाएंगे आपको विश्वास। क्या क्या, विश्वास के विचार के एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने के फरमान जारी किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। तो सही आंसर हो जाएंगे पंकज अडवाणी है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी अनंत बनेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हैं, शेयर ना करते, शेयर जरूर कर दिया कीजिए ना, क्योंकि आपके शेयर से फॉलो यहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट बढ़ेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लाइक सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। लाइक जब नहीं करें तो लाइक करके जाइए, लाइक करने में कोई समय नहीं जाता। लाइक बटन आपके बगल में होगा, लाइक कर दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानगर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, महास्नानगर को किस परत की चढ़ाकर जल रूढ़ी बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो स्थित है, ये आपको स्थित है ऑप्शन नंबर डी, पिंजार हरियाणा में स्थित है, पिंजार हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो सही जवाब हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक, कहता ब्रिक। नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? आपके सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? त्रिपुरा में था। नेक्स्ट नंबर सवाल है दोस्त, हम लोग वीडियो को बिल्कुल फास्ट देखेंगे। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? कह रहा है कि विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएंगे, प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद नंबर आपका है ना अनुच्छेद 74, ये जिम्मेदारियों का वर्णन करता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे भाई। और आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन है कि राज्यों की परिषद राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएंगे 38 का, क्या हो जाता है नियम 8, नियम 8 करता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर सवाल को हम लोग बढ़ेंगे, सवाल है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपके आंसर मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर आरजी पटेल को। नेक्स्ट नंबर सवाल है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है हर साल आपको 2 अप्रैल को मनाया जाता है, तो दिवस